आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें चुनाव 24 में। आज जयपुर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में आज होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। राजस्थान की सीटों को लेकर होगा मंथन। बैठक में सीएम अशोक गहलोत रहेंगे मौजूद। जयपुर में कांग्रेस सीईसी की बैठक। सीएम गहलोत, सचिन पायलट और सुखजिंदर सिंह रंधावा रहे मौजूद। बैठक के बाद राजस्थान चीफ डोटासरा का बयान। चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। केंद्रीय चुनाव समिति टिकटों का करेगी ऐलान। राजस्थान में नहीं गली थी बीजेपी की दाल। मोदी सरकार में लोकतंत्र हुआ कमजोर। सीएम अशोक गहलोत का बयान। एमपी विधानसभा चुनाव पर हुई कांग्रेस सीईसी की बैठक। पार्टी चीफ खड़गे, राहुल और केसी वेणुगोपाल रहे मौजूद। पहली नवरात्रि की आएगी एमपी कांग्रेस की लिस्ट। रणदीप सुरजेवाला का बयान। कमलनाथ ने कहा अभी सिर्फ 7 सीटों पर नाम हुआ फाइनल। 15 अक्टूबर को जारी होगी लिस्ट। कमलनाथ के बीजेपी पर हमले जारी। कहा इनकी कथनी करनी में फर्क, बातों में विरोधाभास। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना। एमपी से जल्द होगी बीजेपी की विदाई। दलितों आदिवासियों को मिलेगा उनका हक। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर पलटवार। कहा पहले योजनाओं का काम ठंडे बस्ते में डाल दिया, अब फिर ठगने आ गए। भोपाल में सीएम शिवराज ने किया रोड शो। बीजेपी को जिताने के लिए की वोट की अपील। कैलाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप। कहा कांग्रेस लोगों को दे रही धमकी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा पार्टी के लिए हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण। पूरी ताकत से लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पहुंची चेन्नई। सीएम स्टालिन और डीएमके नेताओं ने अगवानी की। आज चेन्नई में आयोजित महिला अधिकार सम्मेलन का संबोधित करेगी सोनिया और प्रियंका गांधी। डीएमके ने किया सम्मेलन का आयोजन। दिल्ली में हुई सीईसी बैठक पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी बोली 119 सीटों पर चर्चा हुई। कांग्रेस जल्द टिकटों की घोषणा करेगी। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। पार्टी के वरिष्ठ नेता पोन्नाला लक्ष्मैया ने दिया इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को नई जिम्मेदारी। मिजोरम का इलेक्शन इंचार्ज बनाया। कांग्रेस ने फिर उठाया अडानी का मुद्दा। जयराम रमेश ने लिखा पीआर स्टंट से बीजेपी ने हटाया ध्यान, लेकिन सच छिपेगा नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। अयोग्यता की याचिका पर फैसले में देरी पर जताई नाराजगी। कहा अगले चुनाव से पहले ले फैसला। विधायकों की अयोग्यता मामले पर जानबूझकर की जा रही है देरी। सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है समय सीमा। शरद पवार का बयान। स्पीकर राहुल नवरेकर जल्द से जल्द फैसला ले वरना हम फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। आदित्य ठाकरे का निशाना। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बयान। 2024 में पीएम मोदी को फिर से चुनना है प्रधानमंत्री। उन्होंने देश को बनाया समृद्ध।